गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपना स्लाइम वॉल्स तक डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो हैं वो क्या हैं? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट बेटा आपके पास जो हैं वो ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनको कि ल्यूवेन हॉक ने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेन हॉक। ठीक है, एंड ज़्यादातर ये प्रोटिस्ट जो हैं एक्वाटिक, टेरिस्टेरियल और पैरासिटिक हो सकते हैं। हम इनके जनरल फीचर्स को देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, स्मॉल हैं, यूनिसेलुलर हैं, लोकोमोशन है और डिफरेंट शेप्स के पाए जाते हैं। ये लोकोमोशन इनमें अगर हम देखें तो स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला और सीलिया सभी तरीक़ों से हो सकता है। ऑल प्रोटोजोन जो हैं वो हिटरोट्रॉप्स हैं, हिटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रेडेशन और पैरासाइट्स का के जरिए भी अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। रेस्पिरेशन जो है गिल्स के जरिए, जनरल बॉडी सरफेस के जरिए होता है, और सॉरी रेस्पिरेशन ओनली फ्रॉम बाय जनरल बॉडी सरफेस होता है। रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग होती से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिनगैमी, कंजुगेशन, इन तरीक़ों से होता है। अब इसके चार ग्रुप हैं, चार ग्रुप हैं जनरली। फर्स्ट ग्रुप जो है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का वो है अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। एज इनका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, ये ऑर्गेनिज्म जो हैं अमीबा लाइक ऑर्गेनिज़म्स हैं, अमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल इनमें मिल सकते हैं। एग्जांपल है इनका अमीबा, एंटामीबा। एंटामीबा जो है वो एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको कि हम अमीबिक डाइसेंट्री कहते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के नाम से है ये। और पिलोमिक्सा भी इसका एग्जांपल है, हेलियोजोन्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स में इसके आते हैं। पहला फीचर है कि बॉडी विदाउट पेरिप्लास्ट होगी, नेकेड होगी। फ्लैजेला प्रेजेंट होती हैं कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस में। न्यूट्रिशन होलोजोइक रहती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर, बडिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सिनगैमी से। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन के नाम से भी पता चल रहा है कि इनमें फ्लैजेला की प्रेजेंस होगी, तो ये ऐसे प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला होगी फॉर लोकोमोशन। एंड दे इनका नाम भी बता रहा है, बॉडी इनकी फर्म पेलिकल से एनक्लोज्ड होगी। न्यूट्रिशन होलोजोइक, सेप्रोबिक और पैरासिटिक कैसी भी हो सकती है। फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिजन से होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ही फॉर्म्स में देखी गई है, वैसे नहीं। अब जो इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ट्राइपैनोसोमा, लीशमैनिया, जिराडिया और ट्राइकोडर्मा, अगर हम देखें तो ट्राइपैनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। लीशमैनिया काला आजार, डमडम फीवर एक डिजीज़ कॉज करता है। जिराडिया जियार्डियासिस और ये लिकोरिया ट्राइकोडर्मा कॉज करता, ट्राइकोमोनास कॉज करता है सॉरी। तो ये हमारे पास फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के एग्जांपल हो गए। इसके बाद आपके पास आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के नाम से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे सिलिया की प्रेजेंस होगी। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन जनरली एक्वाटिक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें सीलिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फीचर्स अगर हम देखें तो ये फ्री लिविंग और फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर में मिल जाते हैं। सीलिया का काम होता है टू कैप्चर फूड एंड फॉर लोकोमोशन। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जिसको हम मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है माइक्रो न्यूक्लियस। तो प्रेजेंस ऑफ मेगा एंड माइक्रो न्यूक्लियस इज देयर। इनमें ट्राइकोसिस्ट होती हैं जो कि डिफेंस के काम में आते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से होती है। फिर है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंजुगेशन मेथड से होती है इसमें। तो ये पैरामीशियम इसका एक वेल नोन एग्जांपल है। वैसे तो इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ओपेलिना हो गया, बॉटिसेला हो गया, पोडोपोफिक्सा हो गया, और बेलेंटीडियम हो गया। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्पोरोजोन प्रोटोजोन। ये जो स्पोरोजोन प्रोटोजोन्स हैं, इनमें इनका नाम ही इसलिए है ऐसा क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्टेज आती है जो कि इन्फेक्शियस स्टेज है हाईली। और ये जो स्पोरोजोन्स हैं, इनमें ये स्पोर लाइक स्टेज जो है वो इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है वो सभी में होती है, क्योंकि ये जनरली पैथोजेनिक हैं ये ओरिजन में और नेचर में। ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सारे स्पोरोजोन जो हैं वो एंडोपैरासाइट और पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। लोकोमोशन इनमें अब्सेंट रहता है। न्यूट्रिशन जनरली पैरासिटिक मोड है, एब्जॉर्प्टिव मोड ही रहेगा इनकी न्यूट्रिशन का। और बॉडी जो है वो इलास्टिक पेलिकल से कवर्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन से होगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगैमी से। लाइफ साइकिल जो है इसमें दो डिफरेंट होस्ट हैं। प्लाज्मोडियम जो है उसमें डायजेनेटिक, जैसे प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, इसको हम डायजेनेटिक कहते हैं। इसको डायजेनेटिक है ये, तो इसका मतलब होता है विच रिक्वायर्स टू होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, उसको हम कहेंगे ये डायजेनेटिक है। तो इसमें भी दो की ज़रूरत होती है, एक होती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की और दूसरी होती है ह्यूमन बींग्स की। तो ये मलेरिया कॉज करता है और अपना लाइफ साइकिल इन दो होस्ट में कंप्लीट करता है। तो आज ये हमारी प्रोटिस्टा यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हमने दो यूनिट मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही कंप्लीट कर ली हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।